हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम चॉकलेट बर्फी बनाएंगे, जिसके लिए ये हमने 3 कप दूध लिया है, 2 टेबल स्पून चॉकलेट चिप है ये, इसकी जगह आप कोको पाउडर यूज कर सकते हैं, 1/3 कप शक्कर है, 3 इलायची है जिसको कि हम इसको पीस कर पाउडर बना लेंगे। बर्फी बनाने के लिए ये कढ़ाई में हमने 1 चम्मच पानी लिया है, इसको इस तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे जिससे कि दूध चिपकेगा नहीं कढ़ाई की तली में। इसमें हम दूध को डालेंगे। दूध में आप उबाल आने देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आ गया है तो इसको हम बीच बीच में चलाते हुए मीडियम टू हाई आंच पे अच्छे से रिड्यूस करेंगे। दूध को लगभग आधे घंटे तक हमने हाई आंच पे लगातार चलाते हुए और किनारों को इस तरह से स्क्रैप करते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं कि दूध रिड्यूस होके लगभग आधे का भी और कमी बचा हुआ है और ये इस तरह से ठीक होने लगा है। तो आंच को अब हम मीडियम पे रखेंगे, लो टू मीडियम पे, और इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। इसको हम और ठीक बनाएंगे। अभी आंच को बिल्कुल भी आप इस टाइम पे हाई ना रखें, क्योंकि अगर आंच तेज रहेगा तो खोआ तली में लग सकता है। इसी तरह से हम इसको अब लगातार चलाएंगे और किनारों को स्क्रैप करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस अभी धीरे धीरे और बढ़ रही है, तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और आंच को एकदम लो पे ही रखेंगे, क्योंकि आंच अगर हम बढ़ाएंगे तो बर्फी का कलर चेंज हो सकता है और ये तली में भी लग सकता है। तो इसी तरह से हम लो आंच पे इसको लगातार चलाते हुए अभी और ड्राई करेंगे। इसको लगातार चलाते रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और बर्फी का टेक्स्चर जो है वो अच्छा नहीं बन के तैयार होगा। दूध एकदम अब ठीक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर डालने के बाद ये वापस से थोड़ा सा इस तरह से गीला हो जाएगा, तो इसको हम इसी तरह से लो मीडियम आंच पे चलाते हुए फिर से ठीक करेंगे। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको भी डाल के अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है तो इस पोर्शन को हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और आधे में हम चॉकलेट मिलाएंगे। चॉकलेट मिलाने के लिए ये हमने 1 चम्मच दूध लिया है। आंच को हम थोड़ा सा मीडियम पे वापस से कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है तो दूध को वापस से हमको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको फिर से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है, ठंडा होने के बाद ये अभी और ज्यादा गाढ़ा होगा, तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा ठंडा होके रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। प्लास्टिक इस तरह से बिछा लिया है, इसके ऊपर से हमने ये थोड़ा सा घी लगा के गैस कर लिया है, और ये जो हमने व्हाइट बर्फी का मिक्सचर अलग से रखा हुआ है इसको हम इस पर फैलाएंगे अच्छे से, और बेलन की मदद से इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। इसके ऊपर से हम चॉकलेट का मिक्सचर डालेंगे। चॉकलेट के मिक्सचर को भी डाल के अच्छे से हम इसके ऊपर फैलाएंगे। रोल कर लेंगे।
बर्फी को रोल करके दोनों किनारों पे हमने रबर लगा दिया है और इसको अच्छे से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको काटेंगे। आधे घंटे हो गए हैं और हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है, इसको हम काट लेंगे। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारी बर्फी बनके तैयार हुई है इस तरह से। तो आप भी बड़ी आसानी से चॉकलेट बर्फी बनाइए, खाइए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।